हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। तो चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट लेयर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट दो लेक्चर में उसके आगे वाला चैप्टर था, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, अभी हमें ट्रांसपोर्ट लेयर देखना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो जगह है एप्लीकेशन लेयर के और नेटवर्क लेयर के बीच में बढ़ते हैं, मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर और एप्लीकेशन लेयर के नीचे। तो उसकी जो पोजीशन है ट्रांसपोर्ट लेयर की, एप्लीकेशन लेयर के नीचे और नेटवर्क लेयर के ऊपर। सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ कोर ऑफ इंटरनेट मॉडल एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम इंटरैक्ट्स विद ईच अदर यूजिंग अ सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। इट प्रोवाइड सर्विस टू द एप्लीकेशन लेयर एंड टेक सर्विस फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर से सर्विस लेता है और एप्लीकेशन लेयर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उसके कुछ जो ड्यूटीज एंड फंक्शनैलिटीज है, जैसे पैकेटाइजिंग है, कनेक्शन कंट्रोल है, एड्रेसिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, तो ये सारे उसके ड्यूटीज एंड फंक्शनैलिटीज है। तो पैकेटाइजिंग मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा पैकेट्स के हम छोटे सॉरी डेटा के हैं हम छोटे छोटे पैकेट करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है अपने पास, तो हम उसको सेंड कैसे करेंगे? तो उसको ऐसे टुकड़े करेंगे छोटे छोटे पैकेट में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योर पैकेटाइजिंग। सेकेंड उसकी जो ड्यूटीज है तो वो है कनेक्शन कंट्रोल। तो कनेक्शन कंट्रोल में मतलब वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो एक है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरा है कनेक्शन लेस। तो अभी मैं बता दी कि कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है। तो जैसे मैंने बोली थी कि टीसीपी और यूडीपी, तो ये जो टीसीपी है मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सो इट इज़ योर कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, और जो यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो होता है कनेक्शन लेस। तो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या है? जैसे टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो उसमें क्या होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या? अगर यूजर है तो फिर वो रिसीवर को सॉरी सेंडर है तो फिर वो रिसीवर को रिक्वेस्ट करेगा। अगर जो रिसीवर है रिक्वेस्ट उसके एक्सेप्ट करता है, देन उसके बीच में जो है कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। ठीक है, अगर उसने जो है रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट किया रिसीवर ने, फिर जो सेंडर है वो डेटा वगैरह सब उसको भेज सकता है। तो इसे कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। जैसे टीसीपी काम करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के, पहले कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है, फिर जो है हम कम्युनिकेट। यूडीपी में तो यूडीपी इज अ कनेक्शन लेस, तो कनेक्शन लेस कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, मतलब जो डेटा सेंडर को भेजना है रिसीवर को, हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। ठीक है, ना कि हम पहले उसको रिक्वेस्ट करेंगे फिर वो एक्सेप्ट करने का वेट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन लेस में जो है हम डायरेक्टली उसको कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यस, थर्ड वन इज योर एड्रेसिंग। तो ये एड्रेसिंग मतलब क्या है कि वो हर एक इसको एड्रेस दे देगा, यूनिक एड्रेस। ठीक है, देन फ्लो एंड एरर कंट्रोल। तो जो डेटा का फ्लो है इट प्रोवाइड्स अ फ्लो कंट्रोल, बोथ द फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म एंड टू एंड अक्रॉस अ सिंगल लिंक। और एरर कंट्रोल मतलब अगर एरर कुछ होते हैं तो उसको वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, देन कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल मतलब डेटा ट्रैफिक, जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत सारा डेटा होने की वजह से कंजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर कंजेशन वो कंट्रोल करता है। देन अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ हम सर्विसेज देखेंगे, तो जैसे प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है या फिर कोड नंबर है, देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर इज एंड टू एंड डिलीवरी, एड्रेसिंग, रिलायबल डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग। तो एक मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है? तो मल्टीप्लेक्सर जो है मेनी टू वन करता है। ओके,
वापस से जो डी मल्टीप्लेक्सर है 1 2 मिनी में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब इकट्ठा बहुत सारी प्रोसेसेस को इकट्ठा करेगा यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, और बहुत सारी प्रोसेसेस को फिर से वो एक इसमें कन्वर्ट करेगा यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर, ओके। एट द सेंडिंग एंड देर आर सेवरल प्रोसेस दैट आर इंटरेस्टेड टू सेंडिंग पैकेट, बट देर इज ओनली वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूडीपी और अ टीसीपी। इट इज मेनी प्रोसेस वन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सिचुएशन सच एज मेनी टू वन रिलेशनशिप रिक्वायर्स मल्टीप्लेक्सिंग, और डी मल्टीप्लेक्सिंग में मेनी टू वन, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस में अगर देखेंगे तो जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट डिले है उसमें, द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट एट विच रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्शन इज मेड एंड इंस्टेंट विच इज कन्फर्म इज कॉल्ड एज कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट डिले। समटाइम्स द कनेक्शन मे गेट एस्टैब्लिश इवन आफ्टर द मैक्सिमम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट डिले, दिस कैन बी ड्यू टू अ नेटवर्क कंजेक्शन एंड नेटवर्क टेबल स्पेस और सम अदर प्रॉब्लम्स। तो देन और एक क्वालिटी ऑफ सर्विस है थ्रूपुट, सो इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ बाइट्स यूजर डेटा ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। देन ट्रांजिट डिले एक सर्विस है उसकी, सो इट इज अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मैसेज बीइंग सेंट टू द ट्रांसपोर्ट यूजर फ्रॉम द सोर्स मशीन। देन रेसिडेंशियल एरर रेशो है, प्रोटेक्शन है, प्रायोरिटी है, तो ये सारे उसके क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है।